गाइस वेलकम टू द पबजी मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। तो भाई एक भैया कह रहे कार्टून स्कूल ना जाने का कोनो नया बहाना बताओ, वो पेट दर्द वाला बहाना तो बहुत पुराना हो चुका है, मम्मी पकड़ लेती हैं। हाँ? भाई हमें तो लग रहा है तुम्हारा स्कूल जाने का मन कर नहीं रहा है। एक काम करते हैं, तुम्हारा स्कूल से नाम ही कटवा देते हैं और घर पे ले आके दे देते कोकोनट, फिर आराम से मम्मी के साथ बैठ के घर पे कोकोनट छीलना कोकोनट। भाई हम लोग तो उतरे थे खरगोश की चाल से, पर एनिमी उतर रहे थे कछुए की चाल से। आराम से हौले हौले, तो हौले हौले इनकी लंका भी लग गई। उधर हमारे टीममेट का हम इंतजार कर रहे थे कि आए तो ऊपर चल कर रस किया जाए, कहे से सब बहुत देर से ऊपर ही छत पे टंगे हुए थे। तब तक एक बंदे चुपके से नीचे आ जाते हैं। हाँ? देख लो भाई, सब लोग को कुछ लूटे ही नहीं है अभी तक, न हेलमेट है, न वेस्ट है, न कोनो अच्छी बंदूक है। तो इतनी देर से तुम लोग छत पे कर कर रहे थे? पोशंपा भाई, पोशंपा खेल रहे थे क्या? भाई इनकी टीम के आखिरी बंदे को जालिम भी खेल देते हैं। और उधर दो नंबर को देख लो कहाँ जाके बैठे हुए हैं, लड़ाई यहाँ हो रही है तो वो वहाँ है। अरे भाई दो नंबर वहाँ क्या कर रहे हो ब्रो? हेलो दो नंबर अब बाहर है भाई। केजीएफ जी बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल रहे थे, जालिम जी अकेले ड्रॉप लूटने चले गए थे, कोई कुछ सुन ही नहीं रहा था। हम कहें छोड़ो भैया, बदन पे सितारी लपेटे हुए ओ जानी तमन्ना किधर जा रही हो। तब तक एक जानी तमन्ना सामने दिख जाता है, हम कह ये यहाँ का कर रहा हो? हम कह लव भाई सबको चुपके से भी सरप्राइज देते हैं। तब तक पीछे से गोली चलने लगी, हम ही को सरप्राइज मिल गया और वो बंदे को पता चल गया कि हम आए रस करने के लिए। तो भाई साहब ऐसे घर में जाके बैठ जाते हैं जैसे लोग आजकल मोबाइल लेके बाथरूम में आधे आधे घंटे नहीं बैठे रहते हैं। हम कह रुकते रहिए सीखते सी, बाहर निकल मुझे भी जाना है। तब तक भाई पीछे से गाड़ी का साउंड आता है, बंदे आकर रस कर देते हैं। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह आखिरी वार्निंग है, भागने की कोशिश बेकार है। काहे बेकार है, हम तो भागेंगे, देखते हैं कौन माइक का लाल हमें रोकेगा। और इनको देख लो, मतलब अभी तक चूहे की तरह बिल में दुबक के बैठे थे, जैसे इनके टीममेट आ गए तुरंत शेर बनने आ रहे थे चौड़े होके। नहीं अब बोल अब भाई आपको एक बग्गी की साउंड आई होगी, दो बंदे और आगे रस करने के लिए, अब ये पूरे चार हो गए थे। हम कहे छुपे रहो ये कोने में। कहाँ भैया कहाँ? तो भाई सब बहुत उछल उछल के मार रहे थे, उछल उछल के। तब तक इनके पीछे से टीममेट हमको दौड़ाने आ गए, आओ भैया दौड़ाओ हमें। अरे आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, लेकिन अरे हमें जो उठाइयो तो, अरे हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, आज रपट। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब भाई दो बंदों को तो हमने टपका दिया था और हमको लग रहा था गुली गुली ना हो जाए, तो हमने कहा चल के रस कर दे। तो बीच में देख लो केडी बाय देता ही टपक पड़े, तुरंत इनको ठेल देते हैं। हम क्या मारो भैया इन लोग को फटाफट। अब भाई तब तक आगे वाले चौराहे पे केडी बाय देवता की महारानी टपक जाती हैं और वो अपना खट पट कर रही थी और ये लोग उन्हीं लोग को मारने में बिजी थे। हमारो हम पीछे देखो मत, हमारो मतलब हमने बहुत बड़े बड़े घड़ियाल देखे, बहुत बड़े बड़े उदबिलाव भी देखे, पर स्कर्ट में पहली बार ऐसा चिंपांजी देखा है, चिंपांजी। अरे अबे ये कहां से आ गया? अरे रुक जा ब्रो थोड़ा टाइम तो दो। अरे भैया मेरी गन कोई भी रिलोड नहीं है, रुक जाओ। अब भाई ये तो भाई सब घुगुआ मामा करते हुए जा रहा था अपना गुली गुली करवाने, पीछे से एक चटकन देते हैं, सीढ़ी पे ही ढेर हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत हो गया भैया, चलो बड़ा ऊपर तुम भी। अरे भाई साहब, अब भाई हमको तो लग रहा था ये कहीं हमको ठेल ना दे। तब तक केडी बाय देता आ जाते हैं, कहते कार्टून मैं इसको बिजी करके रखा हूं, जा तुम ऊपर जाके ठोक डालो इसको। हम कहते थैंक यू केडी बाय देता, आई लव यू। हाँ भाई क्या सोचा था, रन आउट कर दोगे हमें? तब तक बाहर देख रहे हैं एवलिन आई थी, कार्टून मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ। भाग, सब कुछ छोड़ के कहाँ आ गई, लेके आती। अरे अरे मारो भैया इनको भी, अरे मार, अबे रिलोड पे कैसे आ गई? अबे भाई पबजी लाइट वाले हमारी सुपारी उपारी देखे रखे हैं क्या कि जाओ कार्टून को ठेलो? अब भाई वो तो बोलो सही टाइम पे हमने इनको ठेल दिया, वरना हमारी इज्जत का तो भाजी पाला हो जाता, भाजी पाला।
हेलो भाई दो नंबर, कितने लोगों को मारू भाई, मैं तो यार एकदम थक गया हूँ यार, यार इतनी पेटी यहाँ पड़ी आके लूट लो ब्रो। हेलो भाई दो नंबर, अब भाई दो नंबर मैच स्टार्ट किए थे स्टेडियम से और भाई साहब स्टेडियम में ही खत्म करने वाले थे, तब तक भाई साहब को प्रसाद मिल गया, हम कहे चलो भैया तो जाके देख रहे हैं, बीच चौराहे पे नाक थे, अब हमारा मन यार रुकने का कर नहीं रहा था, लेकिन मैं गधा पागल उल्लू का पट्टा भाई हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहीं से बीच मैदान में एकदम फंस गए थे और छुपने के लिए खाली एक यही टूटाई फूटाई झोपड़ी बची थी, तब तक सामने बंदा दिखता था। अरे भैया हेल्थ किट मारो यार जल्दी, अब भाई यहाँ सामने से गोली चल रही है, आकाश गंगा से तब तक कोनो गोली चलाने लगता है, तब तक कोनो पताल लोक से गोली चलाने लगता है, अब भाई हम तो यार चार तरफा फंस गए और वो भी इन घन चक्कर के चक्कर में फंस गए, अरे यही किसी गरल के चक्कर में फंसे होते तो कम से कम कहती तो कि हाँ एक था वो क्यूटी पाई जिसने मेरे लिए अपनी जान गवाई। अब भाई यहाँ हमारी एक गलती ऊपर पर लोग के द्वार हमारे लिए खोल देती और पीछे से टीममेट अलग खोपड़ी खाएगा क्या। अब भाई हम जैसे ही गुली गुली करने जाएं तो ये लोग बम फेंकने लगे, तो हम भी बम फेंकने लगे, तो ये लोग और बम फेंकने लगे, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा था यार, ये जो युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, ऐसा लग रहा था दो सखी सहेलियां एक दूसरे के घर की चुगलियां करने बैठी हैं। अरे सुनती हैं भाभी जी, आज तक इन्होंने मेरे लिए किए ही क्या है, आज तक एक कंगन भी खरीद के दिए हैं, कंगन। अब भाई जैसे ही बंदे को ठेले तब तक ऊपर से रेड जोन गिर जाता है। अब भाई एक सेकंड के लिए तो हम बेहोशी हो गए थे, लेकिन फिर थोड़ी जान बचाना ही, हम कहे अभी तो जिंदा हैं हम, हमला कर दो हमला। अरे कहाँ निकल गया भाई, रुक जा पीछा करो इसका पीछा करो, अरे एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा, टन 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 टारा, टन 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12, दो टिकट है KGF देखना है क्या। अरे बिकनी वाले भैया कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं, सुनिए तो बाहर इतनी तेज धूप है, कहीं सन टैनिंग हो गई तो, तब तक घर वाले भी बोलेंगे कि ये कलुआ कहाँ से घर में घुस गया। अब भाई ये बिकनी वाला दौड़ के पता नहीं कहाँ छुप जाता है। अरे बिकनी, अरे बाहर निकल, देख तेरे दरवाजे पे मौत दस्तक दे रही है, टिंग टोंग टिंग टोंग। भाई सब सीढ़ी के नीचे छुप के बैठे हुए थे, अरे हमारी मम्मी पूरा मिठाई उठाई पलंग के नीचे एकदम कोने में छुपा के रखती थी, वो तो हम ढूंढ के खा जाते थे, तो तुम तो इतने बड़े बैल जैसे हो, तुम क्या हमारी नजरों से बचोगे घंटा। तब तक भाई बंदे गुम्मा लेके रस कर देते हैं और इनको देख लो खोपड़ी पे चढ़े जा रहे हैं, गुम्मा लिए थे फिर भी नौक हो गए, और तुम क्या भैया लात मार के इनको भी लबी भेज दिया। भाई हम लोग उतरे ईस्ट पोर्ट और हमारे साथ एक आदमी और उतरे थे लूटी ले लूटी करने के लिए, हमको देख के ऐसे भागने लगे जैसे हमारे सर पे इन्होंने 2 सिंह देख लिया हो, दौड़ा के मारो भैया इनको। भाई साहब शुरुआत में ही जतरा खराब कर दिए, दौड़ा दौड़ा के एकदम हालत खराब कर दिए, कपड़ा उतारो इसको, कपड़ा उतारो, कपड़ा कहाँ गया, अबे कपड़ा कहाँ चला गया, ये जादू टोना करने वाला है क्या। तो भाई एक बहन कह रही थी कार्टून ये मेकअप बॉक्स क्या होता है, नहीं पता क्या होता है, मैं बताता हूँ, मेकअप बॉक्स एक ऐसा बक्सा होता है जिसके अंदर कुछ चमत्कारी उपकरण मौजूद रहते हैं, उन उपकरणों का इस्तेमाल करने से भैंस भी गाय जैसी दिखने लगती है, गाय। भाई हम तो इधर कन्हैया जी से लड़ाई करने में बिजी थे, तब तक उधर हमारी टीम के 3 टपक जाते हैं और 4 पेट पकड़ के हेल्प हेल्प हेल्प, हम कह आ रहे भाई रुक जाओ 1 रुक जाओ भाई आ रहे आ रहे। अब भाई तुरंत पैंट ऊपर करके दौड़े, तब तक हमको बैंडेज मारने की आवाज आती है, क्या भाई क्या हो रहा था, शौक लगा 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 शौक लगा लगा। अरे भाई थोड़ा नीचे आ जाओ यार, PS भाई हेलो, तो देख लो भाई साहब, अरे भाई यार थोड़ा तुम चल नहीं पा रहे हो क्या ब्रो, अभी मर जाते तो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, आई नीड कंज्यूमेबल्स। अब भाई PS जी मशीन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, आई नीड कंज्यूमेबल, हम कहे ये मशीन लैंग्वेज में बात काहे कर रहा है, हो घर पे कहीं पापा है क्या।
भाई इधर तो हम लोग केडी वेडी बढ़वा रहे थे, लेकिन अभी एनिमी की टीम का आखिरी बंदा बचा था और ये भाई सब छत पे खड़बुड़ खड़बुड़ तरू तबू इधर से उधर दौड़ रहे थे। हम क्या देखा जाए कौन है हा? ये देख लो बगल से निकल गए भाई साहब। तो भाई इसी बात पे एक शायरी हो जाए कि इंटरनेट पे लड़की पटाई, इंटरनेट पे हो गई फिर सगाई, इंटरनेट पे हो गया डिवोर्स, इसी बहाने हो गया कंप्यूटर कोर्स। भाई हमारी टीम के जो दो नंबर थे जोकर जी अकेले खेल रहे थे, अब उनको हम क्या डिस्टर्ब करते तो हम इधर आ जाते, तब तक सामने हमको एक स्क्वाड दिखाई पड़ती है। हम क्या जोन में तो आना है इन लोग को, तो चुपचाप बैठ के इन लोग का इंतजार कर रहे थे। तब तक भाई साहब पीछे से पीएजी गोली चला के बता दिए, मतलब पूरे प्लान का एकदम भजिया पाला हो गया। भाई साहब को पता चल गया कि 10 मिनट में पापा घर पहुंचने वाले हैं, दौड़ के आके घर के अंदर घुस गए। अब जब वो फेस रिवील करेंगे ही नहीं तो हम लोग मारेंगे क्या घेवड़ा। भाई इधर दो स्क्वाड के बीच में लड़ाई चल रही थी, मौके का फायदा हम उठा लेते हैं। हम क्या दो नंबर भाई AWM से मारो ब्रो। हेलो भाई दो नंबर मारो वरना अंदर चला जाएगा भाई वो। अरे दो नंबर मारो भाई। अरे यार ये मर का नहीं रहा है। लो अंदर चला गया भैया। अब भाई ये सब पता नहीं कहां कोने में उधर लड़ाई करने लगे। हम क्या आ जाओ भाई गाड़ी में बैठो रस कर दे। चार नंबर। अरे कान में गोबर पैक कर लियो का? पता नहीं भाई सब कान में क्या पैक किए थे सुने नहीं रहे थे। हम क्या छोड़ो भैया, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, टन 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 टारा, टन 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 टारा। अरे चलती है क्या 9 से 12? अच्छा आगे वाले सुर को पूछ के आता हूँ। हो टन 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 टारा, पिका पिका, चलती है क्या 9 से 12? दो टिकट है KGF 2 के शाम के, 9 से 12 चलना है क्या? ये कौन है भैया, क्या हो गया भाई? बहुत परेशान लग रहे हैं आप, हेल्थ किट के वांदे हो गए क्या? वांदे भाई कुछ लोग कह रहे थे कार्टून KGF 2 पिक्चर देख लो बहुत अच्छी है मजा आ जाएगा। तो भाई क्या पिक्चर देखे यहाँ, जहाँ थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है वहाँ आटा चावल दाल तेल फलाना ढमाका यही सब खरीदने में पूरा टाइम निकल जाता है, तो पिक्चर क्या देखेंगे घंटा। अब भाई लास्ट जो बंदे बचे थे उनको हमारी टीम के जोकर जी ठेल देते हैं, चिकन हो जाता है। तो भाई वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, मिलते हैं कल संडे 12 बजे। बाय बाय।